बीजेपी कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित होगी। आपको बता दें कि 23 मई की तैयारियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। मतगणना के दिन 25 की 25 सीटों की स्थिति को लेकर भी यहां मंत्रणा की जाएगी। एग्जिट पोल के साथ संगठन के स्वयं के सर्वे के बिंदुओं पर भी साथ ही चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक आयोजित होगी। एग्जिट पोल के साथ संगठन के स्वयं के सर्वे बिंदुओं पर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। आपको बता रहे बीजेपी कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक 23 मई की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि 23 मई को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे और इसी की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही 25 की 25 सीटों की स्थिति पर भी मंत्रणा की जाएगी। एग्जिट पोल के साथ संगठन के स्वयं के सर्वे के बिंदुओं पर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। बेहद अहम ये बैठक लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर 23 मई की तैयारियों को लेकर भी यहाँ चर्चा की जाएगी। आपको बता रहे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रदेश पदाधिकारियों की अहम बैठक और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए A1 संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी पिंटू, बताएं कि कब तक ये बैठक आयोजित होगी, क्या कुछ मुख्य बिंदुओं पर इसमें चर्चा की जाएगी? देखिए लवीना, लोकसभा चुनाव के बाद में आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय में ये पहली प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ये बैठक ले रहे हैं। तमाम जो प्रदेश के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं भाजपा के, उन सबको यह बैठक में बुलाया गया है। और हालांकि अगर एक नजर डाली जाए लवीना, तो इस बैठक का कोई खास औचित्य यूं नहीं कहा जा सकता है कि कोई बहुत बड़ी रणनीति हो, क्योंकि अब कोई चुनाव से रिलेटिव कोई चीज खास बची नहीं है कि कुछ खास रहने वाला। लेकिन हाँ, इतना है कि जिस प्रकार से 23 तारीख को जो परिणाम आएगा, जो मतगणना होगी, उनको लेकर यहाँ पर रणनीति हो रही है, क्योंकि एक बड़ी चीज होती है एक मतदान करवाना और मतगणना में जो एजेंट बैठते हैं भारतीय जनता पार्टी के या चाहे कांग्रेस पार्टी के, जो भी उस प्रत्याशी के एजेंट बैठते हैं, और हमेशा कहीं ना कहीं अब जो ये विवाद ज्यादा आती है, चाहे मतदान के दौरान हो या मतगणना के दौरान हो, कई बार ऐसी शिकायतें आती है, उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया जा रहा है कि किसकी ड्यूटी कहां पर लगाई जाए और कहां पर क्या हो सकता है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो कहीं ना कहीं हमेशा एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप की भी राजनीति रहती है कि मतगणना के दौरान गफलत हुई है, कहां पर गड़बड़ी हुई है, कहां पर कोऑपरेटिव नहीं किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर एक रणनीति बनाई जा रही है कि 23 तारीख के दिन मतगणना के समय कहां पर किसकी ड्यूटी लगेगी और साथ ही जो परिणाम आएंगे कि उनको किस प्रकार से देखा जाए और उसका क्या औचित्य रहेगा, कहां पर किस प्रकार से जो एग्जिट पोल्स आए हैं उन पर भी यहां पर मंथन हो रहा है कि एग्जिट पोल का क्या मायना है जिस प्रकार से देखा जा रहा है, क्योंकि 20 प्लस बता रहे हैं तो कौन सी वो सीटें हैं कमजोर जहां पर भाजपा को लग रहा है कि वो सीट जा सकती है। तो खासकर बस ये कहा जा सकता है कि हम इस बैठक को कोई बहुत बड़ी बैठक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ चुनाव उनाव निपट चुके हैं, तो महज एक 23 तारीख को परिणाम आने वाला है और उसको देख कर ये तैयारियां ड्यूटीज जो लगाई जाएगी कि कहां पर किस पदाधिकारी का किसको एजेंट बनाया जाए और किन चीजों का वहां पर ध्यान रखा जाए मतगणना के दौरान, कि कोई ऐसी कोई शिकायत हो तो उसका किस प्रकार से ऑब्जेक्शन किया जाए, यही सब चीजों पर रणनीति तय हो रही है। और रही बात दूसरी, क्योंकि जो भी होना है सब कुछ दिल्ली से होना है, खुदा ना करता अगर बीजेपी मानकर चल रही कि हमको बहुमत नहीं मिलता है तो अन्य दलों को कैसे साधा जाए, तो प्रदेश में ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि एक दल है जो इनके साथ ऑलरेडी चुनाव लड़ रहा है और दूसरे दल इतने मजबूत नहीं है कि जिनको बीजेपी के साधने की कोई आवश्यकता होगी। तो ये बस सीधे तौर पर हम यूँ कह सकते हैं लवीना कि जो बैठक होगी, जो बैठक में जो चर्चा होगी, वो सिर्फ और सिर्फ 23 तारीख को मतगणना के दौरान जो इनके एजेंट बैठेंगे काउंटिंग में वो होगा और किस प्रकार से किन चीजों का ध्यान में रखा जाए कि मतगणना के दौरान एक अच्छे और एक जो समझदार हो में उन नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। जी लवीना। जी पिंटू, एग्जिट पोल की अगर बात करें तो लगातार सामने आ रहे हैं और इसमें बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है, तो इससे भी अब चुनावी सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है, इस पर भी चर्चा की जाएगी? क्योंकि आज जब भाजपा नेता, जो तमाम नेता आज बैठक में यहाँ पहुंचे, तो वो एग्जिट पोल के जिस प्रकार एग्जिट पोल आ रहे हैं उनसे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और एक हौसला उनमें है कि हाँ कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बन रही है। कई प्रत्याशी भी जो रहे हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जैसे कैलाश चौधरी हैं, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दिया कुमारी राजसमंद से प्रत्याशी और वो प्रदेश मंत्री हैं, वो भी आज बैठक में पहुंचे, तो उनके जो चेहरे पर जो उत्साह दिख रहा था वो अलग ही था कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहे थे तो वो भी काफी उत्साहित थे और उनको पूरी अपनी जीत का आश्वासन है, क्योंकि कई जो सर्वेज हैं उन्होंने क्लीन स्वीप राजस्थान में बताई है, करीब 22 से 25 सीटें बता रही, तो उनसे प्रत्याशियों में गुस्सा है कि अगर क्लीन स्वीप आता है तो सबके सब जीत के आएंगे, क्योंकि बाड़मेर सीट पर काफी हॉट मुकाबला माना जा रहा था और वो कैलाश चौधरी भी यहाँ पर पहुंचे आज बैठक में, तो वो उनके चेहरे पे भी एक अलग ही मुस्कान और उत्साह नजर आ रहा था। जी जी पिंटू, और क्या अपडेट है इस बैठक के लिए, कब तक ये बैठक शुरू हो जाएगी?
देखिए अभी बैठक शुरू हुई है मैच 15 मिनट पहले और करीबन 2 घंटे ये बैठक चलेगी और उसके बाद में मदनलाल सैनी पत्रकारों से रूबरू होंगे कि क्या कुछ खास रहा है बैठक में, वो पत्रकारों से रूबरू होकर बताएंगे। चलिए पिंटू, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बेहद अहम बैठक और एग्जिट पोल के साथ संगठन के स्वयं के सर्वे पर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है।